मैं नहीं समझता कि मुखालिफ बिल्कुल मैदान में है, और मुखालिफ ने IMF को लेटर भी लिख दी है, और ये लेटर में काश लिख देते हैं कि मैं कैदी हूँ और मैं करप्शन के केसेस में अंदर हूँ और मैं आपको लेटर लिख रहा हूँ। उन्होंने कुछ US में भी लॉबी की है, जो कहते थे ना कि अमरीकी साजिश है, वहाँ कांग्रेसमैन से लेटर लिखवाए हैं। तो बात यह है कि आप पहले अमरीकी साजिश कहते हैं, फिर अमरीका से मदद तलब करते हैं, आपकी पॉलिसी है क्या? और IMF को लेटर लिख के जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश करना और मुल्क के अंदर बहरान पैदा करने की कोशिश करना और इसके साथ साथ एक केओस पूरे मुल्क में फैलाने की कोशिश करना, ये IMF वाला मामला पहले भी हो चुका है, तो ये काबिल मजम्मत है। और मैं समझता हूँ कि ये जो उन्होंने किया है ये इस मुल्क के मफाद के खिलाफ है और अपनी जाति ना की तस्कीन